लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा कि मैं आपको बताया वो सब हमने कर दिया था वन प्लेस एथिक्स इन एचआरएम टाइम डिफरेंट लेसन हमारा हो गया था नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्कप्लेस एथिक्स इन सेक्सुअल हैरेसमेंट राइट वीडियो में देखेंगे तो सेक्सुअल हैरेसमेंट यहां पे हम बात करते हैं वर्कप्लेस एथिक्स राइट वी हैव डिफरेंट एग्जांपल कि जो आपका वर्कप्लेस होता है राइट तो वहां पे आपका जो अनएथिकल जैसे एग्जांपल आपने अभी लास्ट में पढ़े लास्ट में आपने देखे तो उसी वे में आप हम किस में देख रहे हैं यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट वे में देखे राइट वो हम रिक्रूटमेंट में देख रहे थे ट्रांसफर में देख रहे थे प्रमोशन में देख रहे थे अदर वे में देख रहे राइट तो बंद करवा देते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्कप्लेस पोस्ट एक्ट 2013 राइट यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी आपकी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट आई राइट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्कप्लेस इसमें आपका मैटर करता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है मैंने आपको जब भी रिसेंट में एग्जांपल आपको बताया था जैसे एग्जांपल्स के लिए आप ताज होटल जाते हैं राइट और फिर इंटर्नशिप एक स्टूडेंट ने भी उसमें एग्जांपल्स बुक किया था ऑनलाइन क्लास में तो वहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट कंप्लेंट्स कमेटीज होती है राइट डिफरेंट कंप्लेंट्स कमेटीज होती है और उसी को रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है एट वर्क राइट तो यू कैन सी मतलब रिगार्डिंग दी परमिशन ट्रांसफर राइट वैसे कोई फेवर करने के लिए आप देखते हैं कई बार कैसे कैसे होते हैं राइट तो वो क्या होता है कि आपको एक हैरेसमेंट का केस मिल जाता है राइट बाय द एम्प्लॉयर हो सकता है या अदर वे हो सकता है एट द वर्क तो यहाँ पे आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था रिगार्डिंग द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस के टाइम बाउंड राइट लास्ट का नहीं भी देखिए उसको वेरीफाई करने कि जरूरी कई केसेस में आपके फैक्चुअल होते हैं कई बार आपके फॉल्स केसेस भी होते हैं राइट तो एक क्या बोलते हैं जजमेंट में बोला था कि आपके टाइम बाउंड एक आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए टाइम बाउंड आप करेंगे वेरीफाई करेंगे कि वेयर द लोकेशन वेयर द प्लेस कि जो ये एक्ट वहां पे हुआ राइट ये वेरीफाई करेंगे हुआ है या नहीं हुआ ठीक है आप लोग थोड़ा सा कोर्ट एक्ट की बात करें राइट कोर्ट एक्ट 2000 मतलब जो आपका है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी इसमें आपको बोला जा रहा है कि मतलब फोर्थ एक्ट का मेन फोकस फॉर प्रोवाइडिंग द सेफ वर्क प्लेस राइट प्रोवाइड सेफ वर्क प्लेस फॉर दी वुमेन राइट तो इसमें आप देख रहे हैं इसके बाद में फोर्थ एक्ट डिफाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट टू इंक्लूड अनवेलकम एक्ट सच एज फिजिकल कांटेक्ट राइट कि जो आपका हम बात तो करें या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट की राइट तो किस किस को वो इंक्लूड करते हैं जो कि आप ब्लू जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे राइट तो द फोर्थ एक्ट डिफाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट टू इंक्लूड अनवेलकम एक्ट सच एज
बातचीत क्यों कर रहे हो आप लोग, थर्ड सेमेस्टर में हो ना, फिर भी बातचीत कर रहे हो? मैंने तो आपने बताया
है नहीं कि क्या बोला मेरे गार्ड ने। यहाँ पे आप देखेंगे तो मतलब की प्रॉब्लम सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, राइट? फर्स्ट वन इज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की जब हम बात कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे बोल रहा है कि जो एम्प्लॉयर है उसको जरूरी है एक आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे इन दी वर्क प्लेस एट दी वर्क, राइट? इसमें जो आपके एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, कन्वीनर, को कन्वीनर, मेंबर्स ऑफ दी आईसीसी, राइट, यहाँ पे जो भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी उसके आपके मेंबर्स होते हैं, कन्वीनर्स होते हैं, को कन्वीनर, राइट। उसके बाद आप देख रहे हैं दी कंप्लेंट कमेटी हैव दी पावर ऑफ सिविल कोर्ट फॉर गैदरिंग एविडेंस, राइट, ये सब कौन करती है आपकी आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट। उसके बाद अपन ड्यूटीज ऑफ दी एम्प्लॉयर, राइट, फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज है, ठीक है, तो कॉलेज में अथॉरिटी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अवेयरनेस की जाए, राइट। जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट सेमिनार्स Right? उनका मोस्टली क्या होता है कि वो मैम क्या करती है ज्यादातर, पर उनके लैपटॉप होते हैं स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में रिगार्डिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड ऑल, राइट, मतलब इवन बिकनीज का कुछ ना कुछ कॉलेज में हो जाता है, राइट, बट दिस द कॉन्स्टेंटिटी ऑफ द एम्प्लॉयर अवेयरनेस रिगार्डिंग दी सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड ऑल। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरमेंट, वर्क प्लेस में कई बार क्या होता है, जैसे एग्जांपल्स के
कि हम अपने वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन को डिस्कवर कर। अब उसके बाद है आपका इफ यू आर रिसीविंग कंप्लेंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन से कंप्लेंट मिल जाए तो आप उसको कैसे सजेस्ट करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट सजेस्टिव्स फॉर हैंडल, राइट। एग्जांपल के लिए आपको कोई कंप्लेंट मिल जाए डिस्क्रिमिनेशन, आप कैसे उसको हैंडल करेंगे? एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट, अपने बिहेवियर भी कर रहे हैं, अपने एक्टिविटी कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव what is good, bad, right, wrong, right? So this is also wrong. Using phone in class. Right? So we are talking about ethics, but we are talking about ethics. What is your name? You are talking about phone. You are talking about phone. Right? You are talking about phone. right?
हो रहा है ऐसा तो नहीं कि जा रहा हूँ
होना चाहिए। अभी प्रैक्टिस में पढ़ रहे हैं फैमिली रिक्वायरमेंट होना चाहिए, फैमिली रिक्वायरमेंट होना चाहिए। आपका
मिस्टेक्स अलाउड है। मीनिंग याद है ना,
मीनिंग अगर क्लियर, मीनिंग याद नहीं रखना, मारने वाला मीनिंग याद कंसेप्ट क्लियर है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज फंक्शंस डीमेरिट ठीक है अंदर आएगा। जैसे आपका आधार नंबर होता है ना, मेरा आधार नंबर क्या पता चला कितनी आपकी बैंक अकाउंट है ना, कितनी आपके बैंक अकाउंट है, कहां वर्क है, क्या सिस्टम है, कहां का रहने वाला है, डिटेल्स आपकी पता चल जाती है। ऐसे मीनिंग भी वर्क करता है अगर आप उस पे पूरा फोकस करेंगे समझने पे। तो आप जो 2 घंटा 1.5 घंटा उस पे टाइम लगाते हैं वेस्ट करते हैं उनकी प्रॉब्लम को पढ़ने में, ऑब्जेक्टिव को पढ़ने में, तो उसी से सारा निकलता है राइट। जनरेटिव मीनिंग होता है उसको उस पे मीनिंग करना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपकी होती है थ्योरी पेपर में कि इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन एनी थ्योरी पेपर, अगर आप किसी एग्जांपल के लिए आप किसी यूपीएससी एग्जाम में बैठते हैं राइट, तो वहां पे एक आपका सिंपल फॉर्मूला सिर्फ थ्योरी एग्जाम में आपको स्कोर करने का रिग फॉर्मूला होता है, आर आर सी राइट। रिग, रिग का मतलब होता है आर डिनोट या रिपीटेटिव राइट, आर डिनोट या रिपीटेटिव, कि जो आपने एक बार लिख दिया बार बार आप उसको अपने आंसर्स में रिपीट नहीं करते राइट। डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर आप यूपीएससी एग्जाम में बैठ रहे हैं वहां पे आप देख रहे हैं ना, ये मतलब फॉर्मूले अभी आपको करना पड़ता है क्या
जस्टिफाई करोगे जब तो आप एग्जामिन करोगे, जब तो आप जस्टिफाई करोगे, राइट? ऐसे तो है नहीं कि
आपकी क्लास में कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड हो, बिल्कुल फोकस आपके एग्जाम से पढ़े हो, वही क्वेश्चन पढ़ ली वही राइट, इसलिए होता है कि आप जो एग्जाम का समझ जाता है जो पेंशन और आपको क्लियर हो तो जल्दी आप काफी कर पाएंगे उस पर पेंशन और आपको क्लियर हो। अगर आपको ये वर्क पेज मैथिक्स वाला आपने नहीं पढ़ा राइट, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस आपने नहीं पढ़ा आप कैसे इसका सिंपल कल्चर दे पाओगे समझे ना। अगर आपने आईआईटी का प्रैक्टिस एंड वर्क रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का आपने नहीं पढ़ा ठीक है विदाउट उसको पढ़े आप कैसे सर सकते हो, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप कैसे सर राइट कंसेप्ट क्लियर परफॉर्मेंस
मजाक है, सीरियस होना नहीं है। कोई फोकस ही बता रहा है, कोई फोकस इसमें लिखे हैं।
आपको कोई जल्दी नहीं है फिर आओ।